जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। 49 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। कांग्रेस ने अब तक 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो बड़ी जानकारी, जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। 49 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। कांग्रेस ने अब तक 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। देखिए, तीसरी लिस्ट का इंतजार है और जल्द जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। आपको बता दें कि उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, तो कांग्रेस ने अब तक 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पहली लिस्ट में जिस तरह से 32 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और उसमें से 28 सिटिंग विधायक हैं जिन पर दोबारा से भरोसा जताया गया है, और ऐसे में अब दूसरी लिस्ट में जिस तरह से 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी, 9 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, अब तीसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। 49 सीटों पर कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट जारी होगी, क्योंकि नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है और ऐसे में अब इंतजार है तीसरी सूची का। तो कांग्रेस की अगली लिस्ट जो है वो आज जो आ सकती है, ऐसी संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। 49 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो बाकी है, और आपको बता दें कि इससे पहले कल भी एक मीटिंग हुई थी, ऑब्जर्वर्स के साथ एक मंथन हुआ था। हालांकि बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि चुनावी समय चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस लगातार महामंथन भी कर रही है। अब तीसरी सूची का इंतजार है और ऐसे में 49 सीटों पर उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो आज शाम तक हो सकता है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो 41 उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान है वो कांग्रेस कर चुकी है, और अगली जो सूची है यानी कि तीसरी सूची वो जल्द ही जारी की जा सकती है, क्योंकि टिकट का इंतजार किया जा रहा है। तमाम माननीय इंतजार कर रहे हैं टिकट का, और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जब पहली सूची आई थी तो उसमें 28 ऐसे सिटिंग विधायक जिन्हें रिपीट किया गया है, और तमाम जो मंथन है वो भी लगातार जारी रहा। कल भी एक मीटिंग हुई थी। अब क्योंकि नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है, तो ऐसे में अब तीसरी सूची का जो इंतजार है वो किया जा रहा है और जल्द ही जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। और दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, हम इससे पहले भी बातचीत कर रहे थे कांग्रेस की तीसरी लिस्ट को लेकर कि जल्द ही जारी हो सकती है, आप जिस तरह से जानकारी भी दे रही थी। अभी क्या अपडेट सामने आ रहा है, कितनी जल्द ये लिस्ट जारी की जा सकती है? नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है, इससे पहले बैठकों का सिलसिला भी हमने देखा लगातार जारी रहा। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस की सूची का, काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा है। जैसे ही पहली सूची जारी हुई, उसके बाद दूसरी सूची जारी हुई, उसके बाद लगातार इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस की सूची का। मगर कल देर रात तक भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी सूची जारी करती हुई नजर आ सकती, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है नॉमिनेशन को, केवल एक दिन अब बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कयास और तेज हो गए थे कि कांग्रेस अपनी सूची जारी करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कल भी ऐसा होता हुआ नजर आए, तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद की जा रही है कि आज कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि विकल्प नहीं रहा है, क्योंकि कल केवल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जैसे ही 50 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी, कहीं ना कहीं उसका इंतजार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, और जैसे ही उनकी घोषणा हो जाएगी उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस भी अपने बचे हुए उम्मीदवार को मैदान में उतारती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, अपराजिता, देखिए आपने सही कहा, क्योंकि देखिए मुकाबला भी कड़ा है और ऐसे में आप जिस तरह से जानकारी भी दे रही हैं कि कोई विकल्प भी नहीं बचा है। विकल्प इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि नॉमिनेशन की कल आखिरी तारीख है, तो ऐसे में तमाम दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि तीसरी सूची जो है वो कांग्रेस जल्द से जल्द जारी करे। लेकिन अपराजिता, ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कल भी दूसरी सूची जारी की है, पहली सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की तो दूसरी सूची में 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो इंतजार तो लगातार किया ही जा रहा है, तो देरी
किन कारणों की वजह से हो रही है, क्या क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी लोकसभा चुनाव के बाद, अगर कॉन्फिडेंट है तो देरी क्यों? जी बिल्कुल, देखिए कई कारण है उसके। सबसे पहले तो ये हो जाता है कि अमूमन देखा गया है कांग्रेस लेट से ही अपनी सूची जारी करती है, पहली चीज। दूसरी, जिस तरीके का विरोध देखने को मिला था, जब केवल मौजूदा विधायकों की जब टिकट को रिपीट किया गया था, इसके अलावा कुछ और भी जाने माने नाम रखे गए थे जिनके कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थे कि वो तो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, उनमें भी कई प्रदर्शन देखने को मिले थे, कई विरोध देखने को मिला था कांग्रेस को, और जिस तरीके की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न हुई थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस उन चीजों से बचना चाहती है। और जितनी देरी कांग्रेस करेगी उतने ही जो ऑप्शंस हैं वो बंद होते हुए नजर आएंगे, जो नाराज होने वाले जो नेता होंगे उनके उन नेताओं के कहीं ना कहीं ऑप्शंस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के या फिर किसी और पार्टी में जाने के कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस तसल्ली से, आराम से, एकदम लास्ट मोमेंट पे कह सकते हैं कि अपनी सूची जारी करना चाहती है। जी बिल्कुल, आप कह रही हैं कि कांग्रेस किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती है और आखिरी समय भी चल रहा है, चुनावी समय भी चल रहा है, तो कांग्रेस जिस तरह से जो नाराजगी देखने को मिली इससे पहले, जब कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की, इससे पहले भी कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला, भवानीखेड़ा से दिल्ली तक पहुंच गए तमाम कार्यकर्ता, तो ऐसे में दोबारा ऐसी स्थिति देखने को ना मिले, कांग्रेस भांप भांप कर और बड़ी ही मुश्किल जो घड़ी है वो अब कांग्रेस के लिए यहां पर खड़ी भी हो गई है, तो अपराजिता जो चीजें देखने को मिली, कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन देखने को मिला, जो नाराजगियां देखने को मिली, क्या जो उसका असर है विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए कोशिश रहती है सभी पार्टियों की कि उनकी पार्टी वर्कर्स एक साथ एकजुटता के साथ काम करें, क्योंकि केवल 90 विधानसभा क्षेत्र पर 90 उम्मीदवार जरूरी नहीं होते, बल्कि पूरी जो पार्टी है, कांग्रेस है, कार्यकर्ता बहुत जरूरी होते हैं। अगर वो रुष्ट हो जाते हैं तो एक मुसीबत वाली बात हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए जरूरी होता है कि उन्हें साथ लेकर चला जाए। तो बिल्कुल कोशिश है कांग्रेस की कि उन्हें साथ लेकर चला जाए, अगर वो नाराज रह जाते हैं तो कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक ये साबित हो सकता है। हालांकि कोशिश बिल्कुल की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि उन्हें मनाया जाए, उन्हें साथ रखा जाए, चाहे प्रभारी दीपक बावरिया ही क्यों ना हो, उनके द्वारा भी मनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि कह सकते हैं लुभाने की भी कोशिश की जा रही थी कि आपको राहुल गांधी से किसी प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे, इस तरह की चीजें भी कही जा रही थी और भावुक भी काफी हो गए थे प्रभारी दीपक बावरिया। तो इस तरह की बिल्कुल कोशिश की जा रही है और साथ ही देखिए काफी जरूरी होता है कि सभी जितने भी सदस्य हैं वो एक साथ काम करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल कांग्रेस के लिए हो जाएगी। तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव में से एक नकारात्मक असर भी देखने को मिल सकता है कांग्रेस को। बिल्कुल जी, देखिए अपराजिता कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, अब तक किस किस ने नॉमिनेशन कर लिया है? देखिए कई लोगों ने जितने जितने अभी तक नाम डाले गए उनमें से कई ने नॉमिनेशन कर दिया है। अब बची हुई जो इंतजार किया जा रहा है, यानी जैसे ही लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद हम कह सकते हैं कि संभवतः एक साथ याद से लेकर कल तक अगर जल्द जारी की जाती है तो आज ही नॉमिनेशन जो बचे हुए कैंडिडेट है उनका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर देरी से करती है कांग्रेस तो संभवतः कल सभी नॉमिनेशन एक साथ होते हुए नजर आ सकते हैं। जी चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए 49 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है और कांग्रेस की अगली जो लिस्ट है वो आज आने वाली है, यानी कि किसी भी वक्त जो है ये लिस्ट आ सकती है।